क्या ये सच नहीं है कि हमारी जो नई पीढ़ी है, हमारे 18, 20, 22 साल के जो बेटे बेटियां हैं, उसमें हमारे बेटों में कुछ आदतें बिगड़ रही है कि नहीं बिगड़ रही है? क्या खबरें आपके कान पे आती हैं कि नहीं आती है? क्या नशे की लत धीरे धीरे घुस रही है कि नहीं घुस रही है? जिन चीजों का हमारे पूर्वज नफरत करते थे, ऐसी चीजें आ रही है कि नहीं आ रही है? ये मेरा परिवार है, वो तबाह नहीं होना चाहिए। मेरा समाज है, तबाह नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपने बेटों पर विशेष रूप से ध्यान रखें। ये छोटी छोटी बुराइयां अभी प्रवेश कर रही है, वो आगे चल करके पूरे समाज को 20-25 साल में तबाह कर देगी। ये जो स्थिति अच्छी हुई है, उसको पचाने की ताकत पैदा होनी चाहिए। ये व्यसन, किसी भी प्रकार का व्यसन अगर हमारे परिवारों में घुस जाएगा, हमारी नई पीढ़ी में घुस जाएगा, तो शायद हमारे 80-90 साल के जो पूर्व बुजुर्ग आज हमारे घरों में, उनको कितनी पीड़ा होती होगी। आज माँ उमिया धाम के चरणों में बैठे हैं, तब आपके परिवार के नाते मैं आज प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच नहीं आया, वरना तो मैं इसका उद्घाटन करके के दो चार अच्छी बातें बता करके चला जाता। लेकिन आप मेरे हैं, आपने मुझे बड़ा बनाया है, आप ही के आशीर्वाद से सब कुछ मैं हूं, और इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हम अपनी नई पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को, कहीं पर व्यसन के रास्ते पर भटकने न दें। एक वातावरण बनाइए, आप देखिए हम पीढ़ियों तक एक सुख चैन की जिंदगी जिएंगे।